घरों में
अपने घर में नहीं जा पाते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं और बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। They must be tried army member and force officer make beautiful greeting cards. अब आपको इनके लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स बनाने हैं, उनको एक मैसेज कन्वे करना है। ओके, तो आप देखिए मैं बता दूँ, आप इस तरह लिखिएगा, ये रहा, आप लिखिए डियर सर थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस सेफ इन आवर कंट्री। आप उन्हें बोल रहे थैंक यू सो मच सर कि आप हमें हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमें हमारे घरों में आपकी वजह से हम लोग सेफ हैं एंड यू आर वेरी ब्रेव एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें आपके ऊपर प्राउड है और आप बहुत ही बहादुर हैं एंड आई वॉन्ट टू बी ब्रेव एंड करजेस लाइक यू व्हेन आई ग्रो। और वो और आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहूँगा, जब मैं बड़े हो जाऊँगा तो मैं भी आपकी तरह एक सोल्जर बनना चाहूँगा, थैंक यू फ्रॉम दीक्षा। तो आपको इसी टाइप का मैसेज उनको कन्वे करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। देखो हर सबकी अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हर कोई बच्चा ये चाहता है कि हम बड़े होकर क्या बने, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। पहला आता है डांसर, डांसर मतलब क्या, डांसिंग करना बहुत लोगों को, बच्चों को डांसिंग करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो डांस हमारे बहुत सारे फॉर्म्स के डांस होते हैं, जैसे देखिए ब्रेक डांस हो गया, सालसा हो गया और सांबा हो गया एंड टैंगो हो गया और ये सब हमारे हो गए, और कुछ हमारे फोक जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ये हमारे स्टेट कुछ स्टेट के हमारे डांस फॉर्म हैं जो कि हमारे इसमें डांस स्टाइल में आते हैं, ठीक है। एंड सालसा में भी डांस में प्रोफेशन, और जो बहुत लोगों को क्या ये सब चीज़ें कथक भरतनाट्यम ये सब सीखना अच्छा लगता है। फिर आता है पायलट, पायलट का क्या होता है बेटा, देखिए पायलट मेक्स एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर फ्लाई, ये क्या है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को उड़ाते हैं और दे टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वे, और उसी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इनके लिए यू कैन स्टडी हार्ड एंड गो फ्लाइंग स्कूल टू बिकम अ पायलट, और अगर आपको पायलट बनना है तो आपकी पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करते हो। और जो भी देखिए अगर सपोज दैट आपको डॉक्टर बनना, तो आप डॉक्टर की फील्ड में मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करोगे, है ना, मैथ्स और साइंस होती है उसे अच्छा करोगे। किसी को फैशन डिजाइनर बनना है तो वो स्टार्टिंग से ही अपना ये मान के चलता हमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्ट्रीम मतलब जो भी सब्जेक्ट से सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं। ओके, फिर आता है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट इज अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ओके, बहुत सारे नॉलेज होते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, उनके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बहुत सारे नॉलेज होते हैं। He studied perform experiments and note down observation in his laboratory. और वो हमेशा नए नए आविष्कार करते हैं लेबोरेटरी में, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और नए नए आविष्कार करने के लिए सोचते रहते हैं। ओके, जैसे देखिए कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे सी वी रमन हो गए, होमी जैन हो गए, यू कैन बी साइंटिस्ट एंड मेक बिग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर देखिए अगर आप लोगों को बहुत लोगों को बहुत अच्छे स्टाइलिश ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है तो वो सब कौन आपके लिए डिजाइन करता है, फैशन डिजाइनर। ओके, फैशन डिजाइनर डिजाइन क्लोथ फॉर डिफरेंट, जो एक फैशन डिजाइनर होती है वो क्या हमारे लिए बहुत डिफरेंट टाइप से फैशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए ड्रेस जो है तैयार करती है। ओके, एंड डिजाइन दैट मेक आउट गुड फॉर हमें तो फिर ऑल्सो गुड लुकिंग, तो वही है कि फैशन के अकॉर्डिंग जिस तरह का वो हमारे बहुत अच्छे से स्टाइलिश ड्रेस जो है हमें हमारे लिए बनाती है। फिर आता है शेफ, शेफ देखिए क्या होता है, शेफ इज अ पर्सन हु प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर अस, शेफ क्या होता है वो पर्सन होता है जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। ही शी स्टडी फूड आइटम फॉर डिफरेंट कंट्री, और क्या है वो बहुत सारी चीजें हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शी स्टडी फॉर आइटम्स ऑफ डिफरेंट कंट्री एंड और नया नया फ्लेवर का मतलब हर चीज में नया नया फ्लेवर का करना, नए टेस्ट का मतलब वो करना, तो ये सब क्या हमारा सेव करता है। अब आता है बेटा लेफ्ट ट्राइपॉड, इसमें आपको पिक्चर्स को देख के आपको इसमें आंसर बताने हैं, जैसे फर्स्ट वाला हुआ फायरमैन, दूसरा होगा हमारा बस ड्राइवर, फिर होगा म्यूजिशियन, नेक्स्ट पायलट,
स्वीपर, गार्डनर, सोल्जर एंड सेफ। ओके, फिर बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है पिक एनी टू प्रोफेशन दैट यू लाइक द मोस्ट एंड राइट गुड क्वालिटी अबाउट ईच ऑफ देम स्पेसिफिकली। आपको दो हेल्पर्स के द्वारा मतलब इसमें आपको बताना है दो प्रोफेशन बताने जो आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो जैसे डॉक्टर मैंने अपने अकॉर्डिंग से आप लिख सकते हो डॉक्टर आई लाइक डॉक्टर दे टेक केयर ऑफ अस एंड इंडियस। मुझे डॉक्टर पसंद है क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। सेफ आई लाइक सेफ दे मेक टेस्टी फूड फॉर अस और सेफ मुझे पसंद है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे अच्छे फ्लेवर वगैरह का वो करके और हमारे लिए वो खाने में।